क्यूब की हम ट्रिक सीख रहे हैं, अच्छी सी इसको रिकॉर्ड भी करके दे रहा हूँ आपको। तो सपोज अगर आपको 12 का क्यूब निकालना है, वैसे तो मेरा मानना ये होता है बच्चों के लिए कि सर 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए सब बच्चों को, बाय थर्ड याद होने चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे पूछू ना 12 का क्यूब है तो क्या होता है, 1728। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261। 22 का क्यूब क्या होता है, 1064। 13 का क्यूब क्या होता है, 2197। क्यूब्स माइंड है, 15 का क्यूब क्या होता है, 3375। लेकिन एक शुरुआत के लिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, 30 के बाद वाले नंबर बाय चांस आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो ट्रिक से कर लेना। 30 तक तो आपको दिल से याद होने चाहिए, जैसे टेबल्स 20 तक दिल से याद होते हैं ना, उसमें मैं ट्रिक थोड़ा लगाते हो, तो ऐसे ही क्यूब्स भी आपको 30 तक दिल से याद होने चाहिए, फिर भी हम एक ट्रिक आपके साथ कर रहे हैं। तो बेटा ट्रिक क्या, देखिए बड़े ध्यान से देखना, इस वन को उठाया और इस टू को उठाया। वन का क्यूब क्या होता है, वन लिख लिया। टू का क्यूब क्या होता है, ए। क्यूब क्यूब, वन का क्यूब वन इधर लिखा, टू का क्यूब एट इधर, एक राइट मोस्ट में लिख दिया, एक लेफ्ट मोस्ट में वन। देखो 12 है ये नंबर, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, वन, और राइट मोस्ट डिजिट क्या है, टू। दो डिजिट का नंबर है, तो वन का क्यूब लेफ्ट में लिख दिया, टू का क्यूब राइट। इनके बीच में आप क्या लिखना, सुनिए, इस वन का स्क्वायर इनटू टू, क्या बोला, वन का स्क्वायर इनटू टू क्या हुआ, टू। फिर इस टू का स्क्वायर इनटू वन, टू का स्क्वायर इनटू वन, ऐड वन दी इनटू वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर इनटू वन फोर, ठीक है। अब जो बीच वाले नंबर है, कौन से बीच वाले नंबर, एक टू नजर आ रहा है और एक फोर नजर आ रहा है, टू का डबल क्या होता है बच्चों, फोर। डबल इसके नीचे लिखा है, टू का डबल, इस फोर का डबल क्या होता है, एट। बस इसको ऐड कर देना है, एट, एट और फोर क्या होता है, ट्वेल्व। तो जब भी दो डिजिट का नंबर है तो आगे कैरी लेते हैं, 12 पर टू रखेंगे और वन क्या चला जाएगा बच्चों, कैरी। 4 2 6 और वन क्या हुआ, सेवन, और वन। तो ये 12 का क्यूब हमें मिल चुका है। शुरुआत में इंटरेस्ट बनाने के लिए ट्रिक सही है, लेकिन 30 तक फिर भी याद होनी चाहिए। मैं दोबारा समझाता हूँ ये ट्रिक, आइए एक एग्जांपल बोल लेता हूँ। वैसे तो मुझे 13 का क्यूब बाय हार्ट याद होना चाहिए, 2197 होता है, लेकिन शुरुआत में थोड़े निकाल के देख लेना, फिर आपको याद भी हो जाएगा। आइए, मैंने जो अभी आपको ट्रिक सिखाई उसके अकॉर्डिंग, वन का क्यूब वन, जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसका क्यूब किया वन आया, जो राइट वाला डिजिट है उसका क्यूब किया थ्री। का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27। बीच वाले नंबर्स को पकड़ो, ये वन दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर करो, वन का स्क्वायर इंटू थ्री, फिर थ्री को पकड़ो, थ्री का स्क्वायर इंटू वन, नाइन। फिर बीच वाले नंबर्स का क्या करना है, डबल, तो बीच में थ्री दिखाई दे रहा है उसका डबल सिक्स, नाइन दिखाई दे रहा है उसका डबल 18, फिर इनको ऐड करना है। अब मैं 27 दिखाई दे रहा है, इसका मैं एक ही डिजिट रखूंगा ऐड करके, तो 27 का क्या रख लूं, बोलो, सेवन। फिर ये टू का क्या करूं, ये आगे कैरी चला जाएगा, टू का क्या करूंगा बेटा, कैरी, या 27 नहीं लिखूंगा उसको, कैरी लिखेगा। फिर ऐड करो 18 और 9, 27, और टू कैरी भी है 29। फिर 29 पे टू यहाँ नहीं लिखूंगा उसको आगे ले जाओ, 6 3 9 और टू 11, फिर वन आगे कैरी चला जाएगा, वन और वन, तो ये 13 का क्यूब यही होता है। क्या होता है 13 का क्यूब बच्चों, 2197। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपके साथ, 21 का क्यूब, वैसे तो मुझे 21 का क्यूब याद होना चाहिए, क्या होता है बच्चों 21 का क्यूब, 9261। क्या होता है बच्चों 21 का क्यूब, 9261 होता है। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है इसमें, टू, टू का क्यूब एट, सबसे राइट मोस्ट क्या है, वन, वन का क्यूब वन। फिर अब याद करो जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था, टू का स्क्वायर इंटू वन फोर, टू का स्क्वायर इंटू वन, फिर वन का स्क्वायर इंटू टू, हाँ
और बीच वाले नंबर्स का डबल, फोर का डबल एट, टू का डबल फोर, वन सिक्स टू नाइन नाइन, 9 through 6 21 का क्यूब। ठीक अब जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, आप ट्राई करना घर पे, 32 का क्यूब और कमेंट बॉक्स में लिख देना, 14 का क्यूब, 63 का क्यूब, ठीक है, 91 का क्यूब, ये आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखने हैं, ठीक है जी।